आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसे कि कल हम लोगों ने ऑनरेबल एलजी साहब से मिलने के बाद जितने भी सांको सब डिवीजन के काउंसलर्स थे या एक्स काउंसलर्स थे, सब ने डिसाइड किया था कि हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए कुछ मीटिंग्स करेंगे। तो आज पहला मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में हमारे एक्स काउंसलर्स भी थे, इस मीटिंग में हमारे मुअज्जिज़ शख्सियत भी थे। हर ब्लॉक से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए हुए थे। तो हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जब तक सांकू को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस नहीं मिलता है, तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और इसकी शुरुआत इंशाल्लाह कल पूरे सांकू सब डिवीजन में हड़ताल से हम लोग कर रहे हैं। कल टोटल शटडाउन से हम लोग सांकू सब डिवीजन में कर रहे हैं। और यूनाइटेड मूवमेंट फॉर सांकू डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जो हमारा एक मूवमेंट शुरू हुआ है और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आज हमारे इलाके से बहुत सारे लोग, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने भी पर्सनालिटीज थे, सब यहाँ पे तशरीफ फरमा थे। और सब ने मिलकर यही डिसीजन लिए हैं कि अब हम चाहे रोड पे उतरना पड़े या किसी भी लेवल पे जाना पड़े, हम लोग स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि एक ट्वीट जो शाया हुआ था होम मिनिस्टर की ट्विटर हैंडल से, उसमें ये बताया गया है कि 5 एरियाज को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जा रहा है, ये चीज अनाउंस हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सांकू को इसमें टोटली निग्लेक्ट किए हैं। ये एक बहुत ही इनजस्टिस है सांकू के साथ, नाइंसाफी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए कल से हम कल के लिए हड़ताल शुरू करेंगे। कल पूरे सांकू सब डिवीजन में हड़ताल रहेगा। हम लोग अगर ग्राउंड पे उतरना पड़े, धीरे धीरे ग्राउंड पे उतरेंगे। जितने भी मुअज्जिज़ शख्सियत यहाँ पे बैठे हैं, हम सब ने यही डिसीजन लिए हैं कि कल हड़ताल होगा। और बाकी नेक्स्ट स्टेप्स आपको बताएंगे कि हम आगे क्या क्या स्टेप्स लेंगे। इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी और हमें उम्मीद ये है कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हमारी आवाज को सुनेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस चीज को पहुंचाएंगे। और हमारे सांकू जो हर पैरामीटर्स पे खरा उतरते हैं, सांकू जिसकी एक जायज डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करते हुए हमारे सांकू को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इंशाल्लाह सांकू को डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए। और सबसे गुजारिश करता हूं कल हमारी जो हड़ताल है इसको कामयाब बनाए। कल पूरे सांकू सब डिवीजन में जो हड़ताल है उसको तमाम आवाम से, यूथ से, वुमेन से, हर एक से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के बाकी लोगों से, इसकी ताउन के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि हम आप सब हमारे सपोर्ट करें, हमारी इस तहरीक का सपोर्ट करें, इस मूवमेंट का सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस शॉर्ट नोटिस में आए। और जैसे कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि रिसेंटली हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस जो दिया गया 5 जगहों को, उसके साथ जो है सांकू को नेगलेक्ट किया गया है। इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए आज हमारे पूरे सांकू डिवीज़न के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि कल 29 तारीख को कनौर से लेकर परकाची तक के आवाम से अपील करता हूँ कि कल कि इस कॉल को मद्देनज़र में रखते हुए इसके भरपूर हमायत करें आप लोग। और बाकी सियासी और मजहबी तमाम इदारों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस मांग का भरपूर हमायत करते हुए इस शटडाउन को कामयाब बनाएं। वस्सलाम अलैकुम। शुक्रिया। क्या आउटपुट निकला आपके मुलाकात से और इन दो दिनों में जो तहरीक आप लोगों ने चलाया, इस पे हुकूमत की तरफ से कोई क्या इशारा मिला है? साथ ही जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम है, खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल के, जिला हेडक्वार्टर के आसपास के लोगों के, क्या ताउन रहेगा, आपको कैसा अंदाजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये इनिशियल स्टेज है, अभी हम डव स्टेज में हैं। तो जस्ट शुरू किए हैं कल एलजी साहब के पास हमने अपने मेमोरेंडम सबमिट किए हैं।
जो हमारे इश्यूज हैं एलजी साहब तक पहुंचा दिए हैं और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब आगे पहुंचा देंगे। लेकिन अभी आज ही हमारे मूवमेंट का पहला स्टेप है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि हम स्टेप वाइज चलेंगे, अलग अलग स्टेप्स लेंगे जो भी जरूरत पड़े। तो आज हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमारे सांकू सब डिवीजन के जितने भी मुअज्जिन थे वो सब यहाँ पे आए और सब ने डिसीजन ये लिया है कि कल हड़ताल करें। उसके बाद देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि क्या रिएक्शंस आते हैं, वक्त के साथ सब चीजें पता चल जाएगा। अभी तो बस इब्तिदाए इश्क है, अभी शुरुआत है, जस्ट शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये मूवमेंट शुरू हुआ है।